भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने टोंक जिले में कार्रवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत भी महिला थाने में दर्ज हुए परिवार के निस्तारीकरण के एवज में परिवादी से ली थी। आरोपी टोंक जिले के महिला थाने में तैनात ASI शंकरलाल है, जिसे मौके से ही ACB की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। ACB कोटा के एडिशनल SP विजय स्वर्णकार ने बताया कि उन्हें परिवादी ने शिकायत दी थी कि उनकी पत्नी ने टोंक महिला थाने में उनके और उनके परिवार के खिलाफ एक परिवाद दिया है, जिसके निस्तारण के लिए ASI शंकरलाल 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सत्यापन कराया, जिसमें सौदा 15,000 रुपए में तय हुआ। ऐसे में कोटा से ACB के DSP ताराचंद, इंस्पेक्टर चंद्रकवर और तेजराज के नेतृत्व में टीम मौके पर भेजी गई। ACB के SP विजय स्वर्णकार ने बताया कि आरोपी ने बिना किसी डर के परिवादी को रिश्वत लेकर थाने में ही बुला लिया, जहां थाने में ही बेखौफ होकर ASI शंकरलाल ने परिवादी से रिश्वत ले ली। इसके बाद परिवादी को उसका काम कर देने का वादा भी किया। इशारा मिलने पर ACB की टीम ने आरोपी को थाने से ही दबोच लिया और उसके पास से रिश्वत की राशि भी बरामद।